प्यारे बच्चों, समाजिक दी जमात विच अज फिर तुहाडा स्वागत है। अज असी पढ़ांगे नौवीं जमात दे इतिहास दा पहला पाठ, पंजाब भूगोलिक विशेषतावां अते प्रभाव। इहदे असी प्रश्न उत्तर भी करांगे जिहड़े साडी अभ्यास पुस्तक दे विच अंत विच दित्ते होए ने, पर उस तों पहलां असी थोड़ा जिहा पाठ बारे समझण दी विचार चर्चा करन दी कोशिश करांगे। बच्चो, अज असी अपने पंजाब राज दी गल कर रहे हैं, तो उसनूं तुहानूं दिख रहा होगा स्क्रीन दे उत्ते पंजाब दा जिहड़ा साडा नक्शा, अज दे पंजाब दा नक्शा उह असी दित्ता गा। उहदे नूं साडे तिन भागां दे विच वंडिया होया खेतरां च, माझा खेतर, दुआबा खेतर अते मालवा खेतर। पहलां तुसीं इह देखण दी कोशिश करनी है बच्चो कि तुसीं किहड़े खेतर विच रहिंदे हो, तुहाडा खेतर है जिहड़ा उह किहड़ा, उहदे बारे जानण दी कोशिश करनी है। जिहड़ा साडा पंजाब हैगा इह सदियां तों जां हमेशा तों अजिहा नहीं सी, इहदे विच तब्दीलियां ने जिहड़ियां उह हुंदियां रहियां नेगियां। साडे पंजाब दे विच की सी ते की है उहदे बारे असीं चर्चा करदे हां। साडे पंजाब दे विच संसार दी जिहड़ी तुसीं अगली स्लाइड दे विच बच्चों देख सकदे हो, संसार दी जिहड़ी महान सिद्धू घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जन्म भी साढ़े पंजाब की धरती ते होया सी। अगे तुसी भारत के नक्शे इहदा विस्थार आ जिहड़ा उह देख सकते हो। उस तो अगे जिहड़ा साडा तक्षला विश्वविद्यालय प्राचीन ते विश्व प्रसिद्ध उह भी पंजाब की धरती ते सी बच्चो। अगे ऋग्वेद ग्रंथ जिहड़ा सब तो पुराना साडा प्राचीन ग्रंथ है, उस दी भी रचना जिहड़ी साडी पंजाब की धरती ते होई है बच्चो। इस तो अगे साडे महान सिख गुरुआं दी करम भूमि भी जिहड़ी उह पंजाब सी, इत्थे ही श्री गुरु नानक देव जी ने संसार नूं मनुखता दा संदेश दिता अते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ दी स्थापना कीती है। तो तुहानूं सारयां नूं पता होगा खालसा पंथ दी स्थापना कदों ते कित्थे कीती है, इहदा आंसर देण दी कोशिश करनी है सारयां ने कमेंट विच सानूं। अगला जिहड़ा साडा अगली स्लाइड आ गई, वह हैगी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रेरणा के नाल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सिखां दे नाल मुगलों के अत्याचारों का सामना किया, पहले सिख राज की स्थापना की। इस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह जी ने भी प्रभु सत्ता संपन्न सिख राज की स्थापना की, होर बहुत सारे शूरबीर देश भगतों के समाजिक सुधारकों ने भी भारतीय सुतंत्रता विच अपना बेमिसाल योगदान दिता। वह कौन कौन ने, किन्ना किन्ना नूं तुसीं जानदे हो, सानूं कमेंट दे विच जवाब देण दी कोशिश करनी है तुसीं। अगे असीं साडे पंजाब दे नामां दी चर्चा करांगे बच्चो। हमेशा तो ही साडे पंजाब दा नाम पंजाब नहीं सी, पहलां इहनूं होर नामां दे नाल जाणिया जांदा सी, जिवें तुसीं माइंड मैप दे विच देख सकदे हो। चीनी यात्री जो साडे भारत दी यात्रा ते आया सी, उसने इहदा नाम सी जिहड़ा उह से ह्यून सांग ने सेकिया रख्या सी। अते रामायण अते महाभारत दे समें विच इसनूं पंच नंद जां ब्रह्मवर्त भी कहा जांदा सी। कबीलियां ने टक्की कबीले जिहड़े इत्थे रह रहे सी उहनां दा शासन भी रहा साडे ते, उहनां ने इहनूं टक प्रदेश जां टक्की भी कहा। यूनानियां ने इसदा नाम पेंटोपटामिया रख्या, ते तुरकां दे आगमन ते फारसी भाषा दे प्रभाव नाल इसदा नाँ सी जिहड़ा उह पंजाब पे। और सब तो पहला वैदिक काल विच इहनूं सप्त सिंधु कहा जांदा है। सप्त सिंधु मतलब इत्थे पहला सत्त नदियां वगदियां सी। इस तो अगला जिहड़ा साडा गल करांगे असीं, उह करांगे साडे पंजाब दा बदलदा राजनीतिक सरूप। साडे पंजाब दीआं जिहड़ियां हद्दां ने उह वी वख वख समें ते वख वख रहियां ने। तुसीं अपने माइंड मैप दे विच देख सकदे हो वी किहड़े समें विच ऋग्वेद विच सत्त दरियावां दे इलाके नूं कहिंदे सी। पंजाब दिल्ली सल्तनत समें पेशावर तक सी इह। 1 नवंबर 1966 नूं भाषा दे आधार ते इहदा खेतर सी जिहड़ा सीमित करता। 1947 ईस्वी विच इहदी दो भागां च वंड हो गई अते 1857 ईस्वी विच दिल्ली तक सी, अते महाराजा रणजीत सिंह दे समें पूर्वी हद सतलुज ते पछमी हद सी जिहड़ी उह खैबर दरे तक सी। इस तो बाद बच्चो असीं इहदियां भाषावां दी गल करांगे, इहदी भाषा किहड़ी आ उह तां तुहानूं सारयां नूं पता होणा गा। हाँ जी, इहदी भाषा हैगी पंजाबी, और इहदियां पंजाबी दियां उपभाषावां ने
ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇੰਡ ਮੈਪ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਲਵਈ, ਪੁਆਧੀ, ਦੁਆਬੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਤੇ ਡੋਗਰੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਪਰਬਤੀ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਹ 'ਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਚੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਥਾਰ ਪਰਬਤ ਸ਼ੇਖਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਖੈਬਰ, ਕੁਰਮ, ਟੋਚੀ, ਗੋਮਲ ਅਤੇ ਬੋਲਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਪ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਪ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਅਤੇ ਕਸੌਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਢਲਾਨੀ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹ ਪਥਰੀਲੀ ਅਤੇ ਰੇਤਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਦੁਆਬ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬ ਨੇ। ਦੁਆਬ ਮਤਲਬ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਧਰਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁਆਬ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬ ਹੈ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਦੁਆਬ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊ ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੁਆਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਚੱਜ ਜੁਆਬ ਤਾਂ ਚੱਚੇ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜਜੇ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਚੱਚੇ ਅਤੇ ਚਨਾਬ, ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬੇ ਅਤੇ ਬਿਆਸ, ਰਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬੇ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸੱਸੇ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਬਾਂਗਰ ਆ ਗਏ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਂਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਜਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੜਾ ਇਲਾਕਾ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ। ਇਹ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲਾ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਬ ਤੱਟ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵਧੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਸ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੁੱਧ 'ਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਏ ਬੱਚਿਓ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਏ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਾਡੇ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ,
फिर इस्लाम धर्म का प्रसार होया साडे दे भारत पंजाब विच। फिर अगे हैगी गल सिख धर्म का जन्म भी है जिहड़ा साडा उह पंजाब दी धरती ते होया, जन्म जातां पातां ते वादू दे कर्म कांडां विच्चों लोकां नूं कढ़न लई। अगली साडी असीं गल करांगे आर्थिक खेतर विच प्रभाव। आर्थिक खेत्र विच प्रभाव दी असीं गल करांगे तां साडे पंजाबियां दा मुख किता जिहड़ा खेतीबाड़ी है, विदेशां नाल व्यापार उहनां दा, ते व्यापारिक नगरां दा जिहड़ा जन्म सी उह होया। इस तो बाद बच्चों तुहाडे असीं जिहड़ा अपना लैसन है कंप्लीट हो चुक्या है, ते इस तो अगे है जिहड़ा तुहाडा नक्शाकार जा गया। नक्शे दे विच तुसीं दो नक्शे ने जिहड़े तुहाडी अभ्यास पुस्तक दे पिछे तुसीं दसने ने, 1947 तो पहलां दा पंजाब उहदे दरिया तुसीं दसने ने, तुहाडा नक्शाकार जां दूसरा नक्शा है जिहड़ा तुहाडा उह 1945 तो पहलां दे पंजाब दे दरे ने जिहड़े तुसीं उह अपने नक्शे दे विच भरने ने। अगे बच्चों तुहाडी अभ्यास पुस्तक दे जिहड़े पिछले प्रश्न उत्तर ने उह आ गए ने। इह पहलां तुहाडे बहु विकल्पी प्रश्न ने, इहनां नूं तुसीं टिक मार्क कर लैणा आपदियां किताबां दे उपर देख के। अगे ने जिहड़ियां तुहाडियां बच्चों उह नेगियां खाली थावां, इहनां खाली थावां नूं तुसीं नोट कर लैणा गा। इस तो बाद है जिहड़े तुहाडे सही मिलान करो, इहनां दा मिलान कर लैणा तुसीं। इस तो बाद तुसीं अंतर दसने आ, पहला आपां इहदे विच दस्सिया मालवा अते बांगर दे विच अंतर है, तुसीं ने आपणियां कापियां दे विच नोट कर लैणा गा। मालवा बांगर जां इहनूं हरियाणा भी असीं कह दिंदे आ। दूजा जिहड़ा तुहाडा अंतर दसना गा उह हैगा पछमी पंजाब अते पूर्वी पंजाब दे विच अंतर। तुहानूं इह तां पता ही होगा पछमी पंजाब असीं किहनूं कहिंदे आ ते पूर्वी पंजाब असीं किहनूं कहिंदे आ, इह सानूं जरूर दसण दी तुसीं कोशिश करनी है। अगे असी साडा तीजा जिहड़ा अंतर दसो दा उह है साडे कोले दरे अते दुआब, इहनां दा असी अर्थ अते इहनां दा अंतर है जिहड़ा उह असी दसणा हैगा। इस तो बाद जिहड़ा तुहाडा चौथा बच्चो हैगा हिमालिया अते उप पर्बती खेत्र, इहनां बारे तुसी ने अंतर दसणा है दोनों दे विच। इस तो अगे जिहड़ा तुसी दसणा हैगा उह हैगा चज दुआब अते बिस्त, जलंधर दुआब दे विच जिहड़ा तुसी उह अंतर है जिहड़ा तुसी दसणा हैगा। इस तो बाद जिहड़े तुहाडे छोटे प्रश्न नेगे उह आ गए बच्चों, इह च उन्होंने पुछया सानू पंजाब शब्द तो की भाव है, तुसीं नोट कर लेना है। यूनानियां ने पंजाब दा नाम की रख्या सी आपां पिछे पढ़ के भी गए हाँ। सप्त सिंधु तो की भाव है। इस तो अगे उन्होंने सानू पुछया 1947 विच पंजाब नू किहड़े दो भागां विच वंडिया गया सी अते पंजाब दी उत्तर पछमी सीमा विच स्थित किसी दो दरिया दे नाम दसो, ते पंजाब नू भाषा दे आधार ते कदों अते किन्ने राज्यां दे विच वंडिया गया सी। जेकर बच्चों तुहानू नोट करन दे विच टाइम लग जांदा है तां तुसीं इत्थे वीडियो नू पॉज़ करके जिहड़ा उह तुसीं प्रश्नां दे उत्तर है जिहड़े आपदे नोट कर सकदे हो। अगे साडा आ गया पंजाब दे वख वख इतिहासिक नामां ते चानणा पाओ। असीं इहदे नाम दसणे ने किस समें दे विच की नाँ सी साडे पंजाब दा, वैदिक काल विच, महाकाव्य रामायण महाभारत विच, यूनानियां ने, टक कबीले ने, चीनी यात्री ह्यून सांग ने, महाराजा रणजीत सिंह दे समें, ते मुगल बादशाह अकबर ने, ते 1849 ईस्वी विच अंग्रेज़ां ने, ते 1947 विच भारत पाकिस्तान दी वंड। इस तो अगे जिहड़ा साडा प्रश्न आ गया पंजाब दे इतिहास दा अध्ययन करन लई पंजाब दियां भूगोलिक विशेषतावां दा अध्ययन क्यों जरूरी है। इह तुसीं लिख लैणा बच्चों, क्योंकि किसी भी प्रदेश दा इतिहास दा अध्ययन करन लई सानूं उस प्रदेश दियां भूगोलिक अवस्थावां दा अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि जिवें पंजाब दे रहन सहन, खाण पीण, पहरावा, लोकां दा सुभा अते विचार शक्ति है जिहड़ी उह भूगोलिक तत्थां नाल ही प्रभावित होई है। इत्थों दा उपजाऊ मैदान आ जिहड़ा उह सभ्यता दा पंघूड़ा बणिया, ते समां पैण ते इत्थों दे लखां वीरां ने आपदी जानां दा बलिदान दित्ता, ते इत्थों दीआं नदियां ने अनेकां वार हमलावरां दा मार्गदर्शन कीता। इत्थों दे जंगलां दा वी महत्व कुछ घट नहीं है। मुगल अत्याचारां तों पीड़ित पंजाब दे लोकां नूं इन्हां जंगलां ने ही अनेक वार आसरा दित्ता, ते खुशहाल मैदानां ने हमलावरां नूं हमला करन दी प्रेरणा दित्ती। इस तो अगे तुहाडे प्रश्न आ गए पंजाब नूं भारत दा प्रवेश द्वार क्यों कहा जांदा है, क्योंकि
इन्हां पर्बत श्रेणियां हिमालय दियां जिहड़ियां पछमी शाखावां ने इन्हां दे कारण पंजाब सालां तक भारत दा प्रवेश द्वार दा कम करदा है। इन्हां पर्बत श्रेणियां विच स्थित दरियां तों गुजरना कठिन नहीं है। ये दरे ने जिहड़े सानूं अफगानिस्तान नूं पंजाब नाल मिलाउंदे ने। इस समय आरिया तों लै के ईरानियां तक सारे हमलावर इन्हां मार्गां द्वारा भारत ते हमला करदे रहे। अगला साडा प्रश्न है, पंजाब विच इस्लाम धर्म दा प्रसार तेजी नाल क्यों होया? क्योंकि बहुत सारे हमलावर पहला पंजाब च आके बसे, उन्होंने इतों के लोगों इस्लाम धर्म स्वीकार करन नूं कहा। इतों के मुसलमान शासक हिंदुआ ते अत्याचार ढाउंदे सी ते उन्होंने कहंदे सी मुस्लिम धर्म कबूल कर लैण। इस तरह होर लोग भी जिहड़े हिंदू धर्म दे सी ओह इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंदे सी। इस तरह पंजाब विच इस्लाम धर्म नूं वधेरे सफलता मिली। अगला साडा प्रश्न है, पंजाब दी भूगोलिक स्थिति दा लोकां दी आर्थिक स्थिति दे की प्रभाव पिया? क्योंकि हिमालय दियां नदियां सी जिहड़ियां हर साल नवी मिट्टी लिया के पंजाब दे मैदानां विच विछाउंदियां रहियां, जिस नाल पंजाब दे मैदान ने जिहड़े ओह बहुत उपजाऊ ने। उपजाऊ होण कारण इत्थे फसल चंगी हुंदी है ते लोग जिहड़े इत्थों दे खुशहाल हुंदे गए ते इन्हां नदियां तों ही पंजाब दी भूमि नूं पाणी मिलदा। ते बर्फ नाल ढके रहण दे कारण हिमालयां तों निकलण वालियां नदियां सारा साल बहिंदियां ने ते खेतीबाड़ी लई वरदान सिद्ध हुंदियां ने। ते इत्थों प्राप्त होण वाली लक्कड़ कारण पंजाब विच फर्नीचर अते खेडां दा समान बनन लग्गिया। पंजाब दीआं भूगोलिक विशेषतावां दा वर्णन करो, इन्हां दा असीं वर्णन करना हुण। पहलां भी बच्चों आपां इहनूं कर चुके हां, हिमालिया ते उत्तर पछमी पहाड़ियां, इहदे विच असीं हिमालिया महान हिमालिया मध्य हिमालिया ते बाहरी हिमालिया बारे जानकारी देनी है। आड़ा पॉइंट असीं इहदा लिखांगे उत्तर पछमी पहाड़ियां, उत्तर पछमी पहाड़ियां बारे असीं दस्सांगे। इस तों बाद असीं करांगे तराई दा प्रदेश जां उप पर्बती खेतर, इहदे बारे असीं लिखांगे। अगे साडे कोले आ गया मैदानी खेतर, मैदानी दे विच असीं अपने पंज दुआब ने जिहड़े ओह लिखांगे, पंजां दुआबां बारे लिखांगे। उस तों बाद असीं मालवा ते बांगर बारे लिखांगे। अगला जिहड़ा साडा प्रश्न हैगा ओह हैगा, पंजाब दी भूगोलिक स्थिति ने पंजाब दे राजनीतिक ते धार्मिक खेतर दे इतिहास ते की प्रभाव पाया? इहदी असीं गल करांगे की प्रभाव पाया। बच्चो असीं जिहड़े तिन्ने असीं पहलां इहनां दा माइंड मैप कर चुके हाँ, राजनीतिक खेतर ते प्रभाव, धार्मिक खेतर ते प्रभाव। ये असीं दोनों पॉइंट आ जिहड़े ओह कर लवांगे। अगला साडा प्रश्न आ गया, विदेशी हमलिआं दे पंजाब दे लोकां ते की प्रभाव पिया? जिहड़े विदेशी आ के साडे पंजाब ते बार बार हमला करदे सी, उहनां ने साडे पंजाब दे लोकां ते की प्रभाव पाया? प्रश्न इहदा उत्तर बच्चो तुसीं कर लेना। ये सारे प्रश्न उत्तर आ जिहड़े तुसीं आपदे कापियां दे उप्पर नोट कर लेने आ, तां कि तुहाडा जिहड़ा लैसन आ ओह कंप्लीट हो जाए। बच्चो तुसीं इस चैनल नूं सबसक्राइब दा जिहड़ा नीचे बटन आ रहा उहदे ते क्लिक कर दो, तां उहदा सामने ही इक बैल आइकन दा निशान, बैल आइकन आएगा, उहनूं क्लिक कर दो, तां अगे तों जदों भी तूं असीं कोई लैसन अपडेट करांगे तां उहदा नोटिफिकेशन आ जिहड़ा तुहानूं आराम नाल जल्दी ही पहुँच जूगा। अते तुसीं अपने जिहड़े पाठ है उहदा प्रश्न उत्तर ते माइंड मैप आ जिहड़े आसानी नाल उहनां नूं पूरे कर सकोगे। वीडियो देखण लई बच्चो